और अंकल मास्क कास कहाँ है आपका? Hey guys, I hope आप होंगे बिल्कुल मस्त। और आज है डेट 20th of July और पिछले एक हफ्ते से मेरे कान से कुछ फ्लूइड सा निकल रहा है, कान बह रहा है जिसको कहते हैं। तो आज पहले यहाँ से अभी 9 बजे है, यहाँ से चलते हैं राजू की मेस में, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट जंगल से ही होते हुए RMC जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद दवा लेंगे। पहले मेरे कान में कुछ बोझ सा हो गया था तो मैंने कुछ दवा ली थी, तो वो तो सही हो गया था और दर्द भी सही हो गया था, लेकिन उसके बाद अब ये बह रहा है, तो अभी डॉक्टर को दिखाते हैं ENT में, उसके बाद देखते हैं वो क्या बताते हैं। हाँ, तो इस एंड तक बने रहना, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मे भी 6-7 मिनट का। न्यू बॉयज हॉस्टल जहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं, ये है मेन्स हॉस्टल जहाँ 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे रहते हैं, और वो है PG हॉस्टल जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे रहते हैं। तो हम अभी वहीं पर ही जा रहे हैं, वहाँ पर एक राजू की मेस जहाँ पर करेंगे ब्रेकफास्ट। पिछले 3 महीने से ब्रेकफास्ट के नाम पे मैं केवल फ्रूट्स खा रहा था, लेकिन अभी राजू की मेस स्टार्ट हो गई है पिछले 3-4 दिनों से, तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और अब जो वो बना देता है वो खा लेते हैं। सुबह 7 बजे उठा था तब अनार रखा था तो वो खा लिया था, अब नहा धोकर ही खा लेते हैं, देखते हैं क्या बना है इसका। छाला हो रखा है, इधर से खाने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये हमारे राजू भैया, हेलो करो। तो ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, कैमरे का लेंस शायद थोड़ा फॉग हो गया है, इसको साफ कर लेते हैं, अब शायद क्लियर है, पता नहीं। तो अभी जंगल के रास्ते से सीधा जाएंगे तो आ जाएगा सुरेश शर्मा नगर, और वहां से ई रिक्शा करके सीधा RMC। तो ये चाय की दुकान काफ़ी फेमस है सभी के लिए, और अभी रिक्शा पकड़ लिया। और अंकल मास्क कास कहाँ है आपका? मास्क कास नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है, लगाओ रखा करो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अमित, कहाँ रहते हो? कोपल हॉस्पिटल में। स्कूल जाते हो? किस क्लास में? 3 में कि 4 में? मास्क क्यों नहीं लगाए? भूल गए, कोरोना हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा फिर। अमित आगे क्या? अमित आगे अमित कुमार। तो इसका पूरा ब्लॉग तो ऑलरेडी पड़ा हुआ, पहले सीढ़ियाँ नहीं थी, पहले यहाँ से भी जाने का रास्ता था, ये अभी नया बन रहा है, ये सब अभी हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन डिपार्टमेंट महिला वाले में ज़्यादा भीड़ है, पुरुष वाला खाली है। तो अभी जाना है कमरा नंबर 1202 में। तो ये हमारा लंबा चौड़ा प्रेस्क्रिप्शन, तो एक लंबा चौड़ा प्रेस्क्रिप्शन मिल गया है और अब ले लेंगे दवा। अभी तो पैसे नहीं थे, मतलब कैश नहीं था, वहाँ पे गूगल पे नहीं लेते थे, तो अभी शाम को जाकर कहीं से तो पूरी मेडिसिन ले लेंगे, होप्स तो जल्दी से सही हो जाए। तो वीडियो एडिट हो चुकी है और कंक्लूजन ये है कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ खट्टा मत खाना और कुछ ठंडा मत खाना, और 7 दिन बाद दोबारा से आकर दिखाना जो मेडिसिन दी है, जो प्रेस्क्रिप्शन दिया उसको लेने के बाद। तो देखते हैं, अभी छाले में काफ़ी दिक्कत हो रही है, आगे खाने पीने।